The government's 9th round of negotiations with protesting farmers is taking place as scheduled, and the centre is hopeful of positive discussions. This is what Agriculture Minister Narendra Singh Tomar had said. Clearing the confusion over the fate of the 9th round of talks, which was the only outcome of the last round of talks that took place on January the 8th, in the wake of the Supreme Court order on January the 11th that's appointed a 4-member panel to resolve the impasse and a key member of the proposed committee subsequently recusing himself, Mr. Tomar said talks will still take place. Farm union leaders too have said that they will attend the talks and they are in fact attending the talks, but they've maintained so far that they will not settle for anything short of the contentious farm laws being repealed. What NDTV has learned from farmer union organizations is that the farmers continue to maintain their stance and have made it crystal clear to the government as well that they will not settle for anything other than the absolute repealing of the contentious farm laws. मेरे साथ शिवेंद्र सिंह हैं, जो किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य हैं। आज बैठक में आप अपनी तरफ से क्या कृषि मंत्री के सामने रखने वाले हैं? देखिए, अभी जो पीछे 5-6 बैठके हुई है उसमें तो हम आए थे, पिछली 2 बैठकों में हम आए हैं। तो बात तो ये हर बार चर्चा ही होती है, वो बोलते हैं अभी चर्चा कर लो जी, एक नूं तो बदलेंगे नहीं, इसमें शोध कर लो, चर्चा कर लो। पिछली मीटिंगों में चर्चा ही हुई है, हमको लगता है भी ये मीटिंग में भी चर्चा ही होगी, क्योंकि प्रेस के सामने उन्हें थोड़ी देर पहले तोमर जी बोल के गए हैं कि मामला तो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किसान भी सुप्रीम कोर्ट में जाए। जब प्रेस ने उसको पूछा है तो फिर मीटिंग का मतलब क्या, वो बोलते हैं मीटिंग ऑलरेडी रखी है, इसलिए मीटिंग में चर्चा ही करेंगे और तो कोई बहुत बात नहीं। तो हमारा जो पहला नजरिया था हमारी जथेबंदी का, हमको लगता है जो पहले कुछ नहीं निकला, इस मीटिंग में भी थोड़ा बड़ा चर्चा होके तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ये संघर्ष की टेक है, आंदोलन ही है, हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे, आंदोलन तगड़ा करेंगे, हिंदुस्तान का जो वक् वक् कल्चर है वो कल्चर को इकट्ठा करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे, तभी लगता है तो ये काले कानून रद्द होगी। 26 जनवरी है ट्रैक्टर रैली का, उसके बारे में क्या तय किया आपने? बिल्कुल जी, 17 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, क्योंकि 15 को ये मीटिंग ही, उसकी रूपरेखा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में तय करेंगे भी क्या रोड मैप है। बिल्कुल पीसफुल होगा, जो अफवाह आ रही है जी लाल किले में झंडा चढ़ाना है जी, या दूसरा ये जी पार्लियामेंट, कोई ऐसा नहीं हैगा, बिल्कुल शांतमयी है, कोई उग्र आंदोलन नहीं है, हम अगुवाई करेंगे, शांतमयी रहेगा, तो मार्च अवश्य होगा, जरूर करेंगे, और बिल्कुल शांत में इसकी रूपरेखा जो है उस 17 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में बन जाएगी, 17 को बनेगी। हाँ जी, आपको लगता है कि ये एकमात्र मंच है जहां पर आपकी बातचीत हो रही है सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने तो आपने जाने से इनकार कर दिया है, तो आपको लगता है ये बातचीत की प्रक्रिया, ये मंच जारी रहना चाहिए? बिल्कुल, ये जो हमारा मंच संयुक्त मोर्चा ये तो रहेगा ही, सुप्रीम कोर्ट को सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए, तो सरकार ये काले कानूनों को रद्द करे, क्योंकि पीसफुली आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है।